गाइस आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आप लोग अजमेर से नहीं पाते हो तो ढाई दिन पे झोपड़ा कैसे जा सकते हो और ढाई दिन पे झोपड़ा कैसे दिखता है और वहाँ पे ऐसे कौन से खंभे हैं जिसको जितनी बार गिनते हो उतनी बार कम आते हैं। तो इसी के साथ में चलते हैं और पूरी जानकारी करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेता कि इसी तरीके से आप लोगों को अजमेर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। बाकी चलते और दिखाते आप लोगों को। तो जैसे कि गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर कोर्ट की साइड, जो कि अंदर कोर्ट से 15 मिनट का रास्ता पड़ता है ढाई दिन के झोपड़े का। बाकी चलते और आप लोगों को नज़ारा दिखाता है ढाई दिन के झोपड़े का। और आप यहाँ पे आप लोगों को मार्केट भी दिख रहा है, तो आप लोग काफ़ी चाहो तो शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। राजस्थानी ड्रेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे। बाकी आगे चलते और दिखाते आप लोगों को। तो जैसे कि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, KGN पाइनएप्पल वाला यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे गली है, यहीं से और तारागढ़ जाने का रास्ता है और इसी के साथ में चिल्ला शरीफ जाने का रास्ता है। बाकी आगे चलते हो और आप लोगों को ढाई दिन का झोपड़ा लेके चलते हो और दिखाता आगे का मोड़। तो जैसे ही गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ढाई दिन की झोपड़ी की तरफ। तो आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ भी दिख जाएगा और यहाँ पे काफ़ी सारा मार्केट है, आप लोग शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। बाकी हम अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसे ही गाइस आप लोग ढाई दिन की झोपड़ी की तरफ जाओगे तो यहाँ पे सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से बनी हुई है जैसे दिल्ली जामा मस्जिद की वहाँ पे बनी हुई है। आप लोगों को ऐसा फील आएगा कि दिल्ली जामा मस्जिद जा रहे हो आप, लेकिन दिल्ली जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ की सीढ़ियाँ थोड़ी छोटी है। बाकी आगे चलते और दिखाते आप लोगों को ढाई दिन के झोपड़े के अंदर का माहौल। तो जैसे ही ढाई दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ने करवाया था और ये इसका निर्माण हुआ था 1194 में। बाकी आप लोग देख सकते हो ये एक मस्जिद बनी हुई है जहाँ पे आप लोग नवाज अदा कर सकते हो। बाकी चलते और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का माहौल। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो ढाई दिन के झोपड़े के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है। आप लोग ये थंबे देख रहे हो, इसको जितनी बार भी गिनोगे कभी कम आएंगे कभी ज़्यादा आएंगे। ऐसा माना जाता है कि कभी जितनी बार इसको गिनते कभी भी एक समान थंबे नहीं आते, कभी ज़्यादा आते तो कभी कम आते। तो एक बार आप लोग जब भी अजमेर शरीफ आओ तो ढाई दिन के झोपड़े में घूमना हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा होता है या खाली कहने की बात है।